आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। गोरखपुर में अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने से 30 मासूम मौत के आगोश में समा गए। ये घटना बीआरडी मेडिकल कॉलेज की है, जहां मरने वालों में 13 बच्चे एमएनयू वार्ड और 17 इंसेफेलाइटिस वार्ड में भर्ती थे। दरअसल अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली फर्म का 69 लाख रुपए का भुगतान बकाया था, जिसके चलते गुरुवार शाम को फर्म ने अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दी। आपूर्ति बंद होने के बाद इंसेफेलाइटिस वार्ड में मरीजों ने 2 घंटे तक अम्बू बैग का सहारा लिया, लेकिन धीरे धीरे मामला बिगड़ता गया और करीब 50 से अधिक मरीज बेहोश हो गए। आईसीयू और वार्डों में देर रात से रुक रुक कर ऑक्सीजन सप्लाई ठप होने से 30 मासूमों और अन्य मरीजों ने दम तोड़ दिया। यह सिलसिला रात 11:30 बजे शुरू हुआ और सुबह 9 बजे तक जारी रहा। लगातार हो रही मौतों से वार्डों में कोहराम मचा हुआ है। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। साथ ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बड़ी लापरवाही के चलते 30 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अस्पताल का दौरा किया था। साथ ही गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र भी है। कल रात 12 बजे से और अभी तक 7 कैजुअल्टी हैं, जिसमें 3 नियोनेटल यूनिट की हैं, 2 AES की हैं और 2 जनरल पीडियाट्रिक वार्ड की हैं। कुल 7 हैं कल रात 12 बजे से अभी तक, और 9:10 की रात 12 बजे से लेकर और कल रात 12 बजे तक 14 कैजुअल्टीज मॉर्टेलिटीज NNU में, यानी नियोनेटल यूनिट में है, 3 AES में है और 6 जनरल पीडियाट्रिक वार्ड में है। यानी आप ये कह सकते हैं कि परसों रात 12 बजे से लेकर अभी तक कुल 30 मॉर्टेलिटी वहां पर। हम इसमें ये करेंगे कि उसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हम जांच कराएंगे 24 घंटे में। जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हम ये अपेक्षा करेंगे कि 24 घंटे में कल शाम तक हमारे सामने लाएं कि क्यों ये, किस तरह से पेमेंट्स नहीं हो पाए, किस तरह से सप्लाई डिस्टरप्ट हुई और क्या सप्लाई डिस्टरप्ट होने के बाद से, जैसा कि हॉस्पिटल प्रशासन हमको बता रहा है मेडिकल कॉलेज का कि कोई डेथ नहीं हुई है, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India.